फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो T3X फ़ोन है, तो वीवो T3X फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में आप कैसे डबल टैप यानी डाटा स्पीड को कैसे शो कर सकते हैं फ़ोन में, और कैसे स्टेटस बार पे डाटा स्पीड एंड डाटा स्पीड का यूज़ कर पाएंगे फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि डाटा स्पीड कैसे शो कर सकते हैं और कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइकन शो होने इसमें स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन ओपन हो जाएंगे। इसके जरिए आप डाटा स्पीड को शो कर सकते हैं और कर पाएंगे अपने फ़ोन में। देख सकते हैं कि सेटिंग्स शो हो रही है, तो आपको सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। इस पे जाकर आप डाटा स्पीड को शो कर सकते हैं और कर पाएंगे अपने फ़ोन में, कर सकते हैं अपने फ़ोन में जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं कि सेटिंग शो हो रही है। इसमें से आपको नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग्स पे जाना है, आपको डाटा डिस्प्ले ब्राइटनेस पे जाना है, जहाँ से स्टेटस बार सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से डाटा स्पीड को ऑन कर सकते हैं, कर पाएंगे। इस तरीके से ऑन कर देंगे तो नेटवर्क डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड ऑन हो जाता है, जिससे आपकी डाटा स्पीड है स्टेटस बार पे शो करती है और करती है, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे, यूज़ कर सकते हैं फ़ोन में और यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से डाटा स्पीड को शो कर सकते हैं और कर पाएंगे अपने फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें।